जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश रुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। गाइज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जीरो है तो अब उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर है, अदरवाइज उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर है। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ डिटेल में। मैट्रिक्स ए इफ सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो। गाइज, अगर हमारे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालें, अगर उसका आंसर जीरो आए तो हम बोलेंगे ये सिंगुलर है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ये नॉन सिंगुलर है। एग्जाम्पल टू, मैट्रिसेस ए इज नॉन सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एनी नंबर, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। नोट, ऑल डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिसेस आर एसेंशियली नॉन सिंगुलर। आइडेंटिकल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स है उसके दो रोज और दो कॉलम्स सेम है, इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।